आज की वीडियो में बात न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की करते हैं। संदीप अक्सर अपनी डिबेट में जनता से जुड़े मुद्दे ही उठाते हैं। इस बार उन्होंने अपनी डिबेट में जरूरी मुद्दों पर चर्चा की और बीजेपी नेताओं से सवाल किए। न्यूज 24 पर मेक इन इंडिया के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने फोर्ड द्वारा भारत में मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने सरकार का बचाव करना शुरू किया, जिस पर एंकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मेक इन इंडिया जो 25 सितंबर 2014 को वो शेर गैर और गिरारी के साथ जो दहाड़ रहा था, 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रोजगार सृजित होने थे, 2 करोड़ 40 लाख तो जनवरी 2020 तक घट गए जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग श्रिंक कर रहा है। अगर मुद्रा के आधार पे 29 करोड़ लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिला कि नहीं मिला, 42 करोड़ बैंक अकाउंट खुला कि नहीं खुला, और आपने मुद्रा लोन की बात की, एक सेकेंड, 29 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिले, 15-15.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए, आंकड़ा बनता है 47,000 रुपए में आदमी का रोजगार खड़ा हो गया। क्यूमुलेटिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 51 केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, 363 स्कीमें हैं और 13 लाख करोड़ पैसे 42 करोड़ बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हुए हैं। 13 लाख तो मतलब हम आत्मनिर्भर हो गए, मेक इन इंडिया करने की जरूरत नहीं। अब संदीप जी आप ये जो है ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। न्यूज 24 पर ही किसानों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने एमएसपी को लेकर सवाल बीजेपी प्रवक्ता से किया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता कृषि कानूनों की तारीफ करने लगे। जब संदीप ने तीखे सवाल करने शुरू किए, प्रवक्ता बात को गोलमोल करने लगे। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, तब तो पैरवी की जाती थी, चिट्ठी लिखी थी उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि वैधानिक दर्जा होना चाहिए एमएसपी का। देखिए मैंने आपसे कहा कि पूरा खुला ऑप्शन हर किसान भाई के पास होना चाहिए। राकेश टिकैत जी के तो ऑप्शन बंद कैसे हो जाते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, कानून उतना ही है, वो तो निजी कारोबारी को बेचेगा, फिर वो मना कहां कर रहा है। वक्त-वक्त पे राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से किसान भाइयों की मांग तो नहीं बदल सकती है। राकेश टिकैत उनकी तो मांग ही यही थी, मेरी फसल का मूल्य कौन, ये सरकार निर्धारित करने वाली कौन होती है, मेरी फसल का मूल्य मैं खुद निर्धारित करूंगा। किसान कर रहा है अभी, सवाल मेरा ये है 9% से ज्यादा भी अभी एमएसपी पर खरीदी हो रही है देश में, नहीं हो रही ना? बहुत अच्छा प्रश्न। अरे क्यों नहीं होती है? राजस्थान सरकार ने अभी तक उस बाजरे के ऊपर प्रस्ताव नहीं भेजा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। न्यूज 24 पर एजुकेशन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने गांव के बच्चे को इंटरनेट के माध्यम से सही से शिक्षा ना मिलने के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता बात को गोलमोल घुमाने लगे, पर एंकर ने भी उन्हें फटकार लगा दी। और लगभग 65% प्रतिभागियों ने कहा था कि कोविड के दौरान जो शिक्षा की प्रणाली रही है वो संतोषजनक रही है, पहली बात। दूसरी बात संदीप जी, इस चीज को एंटीसिपेट सरकार ने पहले ही किया था। स्वयं प्रभा टीवी चैनल तैयार किया गया जहां कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक, टीवी चैनल की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूं, रेडियो सामुदायिक रेडियो शिक्षा वाणी के नाम से शुरू किया गया जिसमें सीबीएसई का पॉडकास्ट था। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल पर हाथ रखकर बताना, 65% लोग सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे कि ठीक पढ़ाई चल रही है। आप ई पोर्टल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, 57% शहरी बच्चे, 65% ग्रामीण बच्चे कह रहे हैं कनेक्टिविटी ही नहीं मिलती। मेरा गांव 60 किलोमीटर दूर है दिल्ली से और मैं अपने माता पिता से फोन पर ही बात कर सकता हूं, मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाता। आप कह रहे हैं 65% संतुष्ट हैं, आंकड़े बताते कम है छिपाते ज्यादा है। न्यूज 24 पर चीनी के दाम बढ़ने को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से चीनी के दाम बढ़ने को लेकर सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता अर्थव्यवस्था की बात करने लगे। जब एंकर ने उनसे तीखे सवाल किए तो नेता एंकर पर ही सवाल खड़े करने लगे। दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रही। अब चीनी मिठास के बजाय कड़वाहट ला रही है मुंह में, आपके मुंह में भी कुछ कड़वाहट आपने महसूस की है क्या? तो सरकार का क्या काम है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इन तीनों को रिकंसाइल करना है? तीनों की बात है, गन्ना अगर किसान मांग रहे हैं 550 रुपए, मिल मांग रही है 290 रुपए और कंज्यूमर मांग रहा है 350 रुपए, तो कैसे ये होगा? आपके तो प्रश्न में ही उत्तर समाहित है कि जब तक आप जैसे पत्रकार जनता को बरगलाएंगे तब तक यह चीजें कंफ्यूजन होती रहेंगी। हाँ, हम बरगला रहे हैं, ये बाजार 64 दिन के लिए शांत बैठ जाता है, पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, 5 राज्यों में चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं तो बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से आग लग जाती है। बाजार को ही तय करने दो सब कुछ।
और हम बरगला रहे हैं गोपाल बाबू। हम उम्मीद करेंगे कि मेनस्ट्रीम मीडिया भी जरूरी मुद्दों पर चर्चा करेगी और बीजेपी नेताओं से सवाल भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।